तो चलो यार आखिरी वाला ब्लॉक भी लगा देता हूँ और अपना घर देखो यार कितना बढ़िया दिख रहा है भाई। अरे डैश डैश ये देख क्या भाई फ्लिक तू कहाँ से आ रहा है? ये ले भाई मैंने ला लिया इसको, हमको जाना है एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। ओ भाई एंडर ड्रैगन को मारने जाना है भाई, लेकिन इतने सारे एंडरपल कहाँ से लेके आया तू? भाई पूरे एंडरमैन लोग को खत्म करके आया हूँ मैं, लेकिन भाई एक प्रॉब्लम हो गई है भाई। वहाँ पे मुझे दिखा एक म्यूटेंट वाला एंडरमैन और भाई वो मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मैं कैसे तैसे वहाँ से भाग के आया हूँ। और मैं जैसे दूर में खड़ा था ना, तो भाई उसने एकदम दूर से चिल्ला के मुझे बोला कि मैं तुम्हें मारने जरूर आऊंगा। भाई ये क्या कर रहा है तू, दूसरी बार मरवा दिया फ्लिक तूने, वो यहाँ पर आ रहा है तुझे ढूंढते हुए। भाई उसके पास सूंघने की ताकत बहुत अच्छी है, क्योंकि यार उसके पास एक कुत्ता भी है बड़ा सा, तो शायद उसके मदद से वो मेरे पीछे पीछे आ सकता है। एक काम कर भाई, ये तू ही रख भाई और तू ही निपट उससे। ए भाई मुझे भी नहीं चाहिए अब। लेकिन फ्लिक एक बात तो बता, वो आ कहाँ से रहा है? भाई अब वो शायद ये सामने के साइड से ही आएगा, और कहाँ से आएगा? सामने के साइड से, तुझे कैसे पता? अरे डैश वहाँ पे भाई एक जाइंट एंडर ड्रैगन का एग पड़ा हुआ है, तो मैं भी वहीं से आया था भाई, वो भी वहीं से आएगा शायद। एंडर ड्रैगन का एग पड़ा हुआ है, वो हमारे साइज का 10 गुना होगा, मतलब ये घर से भी 2 गुना 3 गुना बड़ा। चल भाई देख के आते भाई, वो जगह में कुछ करना पड़ेगा, डिफेंस एग लगाना पड़ेगा हमें घर बचाने के लिए अपना, तो बड़ी मुश्किल से बनाया हूँ मैंने। काम करता है पर्ल ले लेता हूँ मैं और चलते भाई, वो सामने कुछ दिख रहा है मुझे। फ्लिक तू भी आ जा। तो फ्लिक यार तू इसकी बात कर रहा था? हाँ भाई यही तो है वो। भाई ये कैसी चीज है, पहली बार देख रहा हूँ मैं। भाई इसके अंदर चलते हैं, लेकिन आज की वीडियो को लाइक एम एंड सब्सक्राइब एम है क्या फ्लिक? भाई आज का लाइक एम हम लोग रखते हैं 15,690। भाई ये कौन सा नंबर दे दिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बहुत दिन से लाइक एम दिए हम लोगों ने, तो आज कमेंट एम देते हैं। तो भाई 1000 कमेंट आपको कम्प्लीट करना है एक दिन में, और उसमें लिखना है फ्लिक की जय हो। अरे भाई ये क्या बात हुई, डैश एम्पायर प्रो लिख दो। तो चल फ्लिक इसके अंदर चलते हैं। ये क्या स्ट्रक्चर है यार इतना खतरनाक, और ये कौन से ब्लॉक है फ्लिक, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। भाई मैंने खुद पहली बार देखा था भाई, गायब हो गए पूरे ब्लॉक। ओ भाई ये क्या किया तूने यार, ये तो मुझे भी नहीं पता था यार। भाई ये जगह ही खतरनाक दिख रही है मुझे। ओ वापस आ गए। तो फ्लिक इसके अंदर आ चुका हूँ मैं। ओ भाई ये कौन सी जगह, एक मिनट यहाँ पे हम हवा में उड़ रहे हैं। ओ भाई ऐसी कैसी जगह हो सकती है? भाई पहली बार मैं भी देख के ये जगह घबरा गया था पूरा। भाई मैं सर्वाइवल में हूँ और मैं हवा में उड़ रहा हूँ, भाई ये कैसे हो सकता है? ये यहाँ से आएगा ना भाई वो? हाँ शायद यहीं से आएगा भाई, क्योंकि मैं अभी तो यहीं से निकला हूँ। यहीं से आया तो वो भी यहीं से आएगा। एक काम करते हैं फ्लिक, हमें यहाँ पे डिफेंस एग बनाना पड़ेगा भाई, उस बंदे को हमारे तक पहुँचने नहीं देना चाहिए हमें। तो फ्लिक मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले जगह को ब्लॉक कर देता हूँ, तो यहाँ पे पूरे ब्लॉक लगा देता हूँ। भाई ये गायब क्यों होते जा रहे हैं, रुक जाए वापस आएंगे मुझे पता है। भाई आ जाओ वापस, कहाँ लगेंगे ये ब्लॉक, वापस आ गए, ये सब क्या हो रहा है, इसको छोड़ो ये मुझसे नहीं हो रहा है। भाई मेरे घर पे चल फ्लिक, पहले वहाँ पे सारे चीजें रखी है हमें बचने के लिए, जो जो चाहिए हमें। तो फ्लिक ये देख मेरे पास एक चेस्ट है जिसमें सारा सामान है जो हमें डिफेंस में मदद करेगा, तो इसको खोल के देख एक बार। सबसे पहले हमें चाहिए सिक्योरिटी कैमरा थोड़े बहुत ले ले, और ये मॉनिटर चाहिए, तो ये ले लेता हूँ मैं। चल मेरे पीछे जल्दी कुछ दिखाता हूँ। दिखा भाई दिखा। यार मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक कैमरा लगा दूँ, और एक कैमरा यहाँ पर रहेगा, और मैं सोच रहा हूँ एक और कैमरा अंदर भी लगा दूँ। भाई यार वो कहीं से भी निकल सकता है, मुझे लगता है यही से आएगा, पर यार गलत भी तो हो सकता है ना। यहाँ पर एक कैमरा लगा देता हूँ, बाहर आके मॉनिटर से कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे म्यूटेड एंडरमैन अंदर से बाहर आएगा तो हम लोग रेडी हो जाएंगे। और एक और मेरे पास में कैमरा है, ये सेकंड कैमरा, कैसे तो मैं दिख रहा हूँ और फ्लिक भी कहीं पर होगा आसपास में। तो हमारे दोनों कैमरा लग चुके हैं, ये अपने काम पर रहेंगे। और फ्लिक ये सही लग रहा है ना? भाई दूसरा कैमरा किधर है? अंदर है, उसको छोड़ दे तू। काम कर तू भी ये मॉनिटर पकड़, एक तो वहां से आएगा म्यूटेंट एंडरमैन और वो रहा हमारा घर। अब फ्लिक पहुंच चुका है, एक काम कर तो मैं भी वहां पर पहुंचता हूँ। ये देखो हमारे चेस्ट में कुछ रखा हुआ है, माइन है एक तरीके का, पर ये AI से चलता है, और ये ले लेता हूँ ऑब्सीडियन। ठीक आ जा जल्दी, खतरनाक चीज बनाने वाले हम लोग। ठीक मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा पूरे माइन, यार अगर मैं माइन लगाऊंगा ना तो यार ये पूरा जगह बर्बाद हो जाएगा, और सामने हमारा घर है। एक काम करता हूँ ये एरिया को सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, और भाई चलते थोड़ा डायगोनल में। अरे भाई कितना दूर चला गया? इस एरिया को फिर से सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पर सेट करना है मुझे ऑब्सीडियन। जैसे मैं एंटर करूंगा, अब देखो भाई ये एरिया पूरा ऑब्सीडियन का बन चुका है। अब सोच रहा हूँ यहाँ पर क्या ही लगेगा। देखो मेरे पास में एक माइन टाइप चीज है, मतलब है खतरनाक जो भी है, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। ठीक अब तुझ पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा मुझे। भाई मुझे तो पता है कैसे काम करता है, क्यों करना है, लेकिन लोगों को तो दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है भाई चल। ठीक को लगने वाली है, देखो भाई क्या गंदा ब्लास्ट हुआ है, ऐसे हमें ब्लास्ट करवाना है। फ्लिक फिर से बाहर जाना पड़ेगा तुझे। एक ही तो हार्ड बाकी है यार। आया आया। ओ भाई पकड़ पकड़ के तुझे मारा है। ये जो AI से चलने वाले माइन है ना, थोड़े बहुत यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। भाई ये म्यूटेंट एंडरमैन को थोड़ा और डैमेज तो दे ही देंगे भाई, बहुत खतरनाक इंसान है फ्लिक बता रहा है मुझे। फ्लिक वैसे कितना बड़ा इंसान है वो, जो भी है तुमने तो देखा है ना उसको? भाई 5-6 ब्लॉक का होगा कम से कम। भाई 5-6 ब्लॉक कुछ ज्यादा नहीं होता है, 5-6 ब्लॉक मतलब इतना बड़ा है वो म्यूटेंट एंडरमैन? हाँ इतना बड़ा है शायद, हाँ इतना ही है। ठीक है भाई और डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा हमें, भाई इतना बड़ा इंसान दिखा दिया तूने। तो भाई ये पूरे माइन तो लग चुके हैं, और भाई देखते कितना डैमेज पहुंचता है उसको। लेकिन आगे चल भाई, फ्लिक मेरे साथ जल्दी। ठीक है भाई आ रहा हूँ मैं। तो भाई हमारे पास में फेक वाटर, अब आप सोच रहे होंगे फेक वाटर होता क्या है। फ्लिक तू भी उठा ले फेक वाटर को। तो फ्लिक तुझे क्या लगता है एंडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? भाई सबसे पहला दुश्मन तो मैं हूँ, और भाई दूसरा है पानी। देख पानी हमारे पास में भी है, फेक वाटर, पानी से तो डैमेज पहुंचेगा ही उसको, लेकिन इसके अंदर लावा है एक्चुअली, तो और डैमेज पहुंचे। तो एक काम करते हैं पहले घर को सिक्योर करते हैं। तो इतने एरिया को तो खोद दे भाई, दो दो ब्लॉक में, मैं वहां से खोद रहा हूँ तो यहाँ से खोद। ठीक है और मिल मुझे सेंटर में। ठीक है भाई। तो भाई इधर इधर टर्न लेना है भाई तुझे, यहाँ तक तो पहुंच गए। अब भाई यहाँ पर हमें पानी डालना है ऐसे करके, ठीक है इतना काफी होगा, ऐसे करके पूरा पानी डाल दे भाई। एक्चुअली में फेक वाटर है, बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। फ्लिक बताएगा आपको कितना डैमेज पहुंचता है। नहीं मैं नहीं बताऊंगा भाई। नहीं यार तुझे करना ही पड़ेगा। फ्लिक आ जा भाई, मैं नहीं जा रहा इस बार मरने के लिए, मेयर को बुला भाई तू। भाई मेयर तुझे पता है ना इतना अमीर हो चुका,
चुका है वो, मतलब इतने पैसे कमा लिया उसने भाई, वो राजा जैसे जी रहा है भाई। यार दोस्ती के बीच में पैसे आ गए बताओ। ठीक है भाई चलो मैं कूद रहा हूँ स्विमिंग पूल में हमारे। ठीक आपको डेमो दिखा रहा है। हाँ भाई डेमो हो गया, डैमेज बहुत ज्यादा होता है लेकिन मैं इस बार मरूंगा नहीं। क्या बात है भाई, समझदार हो गया फ्लिक तू। तो फ्लिक एक काम करते हैं, अगले डिफेंस हैक के लिए हमें लेजर लगाना है। अरे भाई लेजर को तो वो पार कर देगा ना भाई, वो सीधा टेलीपोर्ट हो गया तो। भाई वो टेलीपोर्ट हो गया तो अच्छी बात है, अगर टेलीपोर्ट नहीं हुआ ना उसको डैमेज पहुंचेगा। तो एक काम कर फ्लिक, ज्यादा लेजर नहीं लगाएंगे हम लोग इस बार, बहुत कम लेजर लगाएंगे। तो हम लोग सीधा यहाँ से शुरू करते लेजर लगाना, ये डायगोनल ठीक है, यहाँ से शुरू करके पूरा वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है तू भी लगा लेजर, ऐसे ग्राउंड में लगाना। तो भाई देखो ऐसे लेजर लगा देता हूँ, फ्लिक ने बताया 6 ब्लॉक के ऊपर का है वो, तो इतना काफी रहेगा उसके लिए, थोड़ा बहुत डैमेज तो पहुंच जाएगा उसको। तो ठीक है भाई फ्लिक तू उधर से लेजर लगा, मैं इधर से लगाता हूँ। तो यार ये लग गए हमारे पूरे लेजर, यार इतना काफी रहेगा। एक काम करता हूँ यहाँ पे एक वॉल बनाया हूँ मैंने जो हमारे घर के थीम से मैच करेगा, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्कैनर। फ्लिक एक काम कर इधर आ तू भी। हाँ भाई बोल। भाई तू ये स्कैनर वाला दरवाजा पकड़ और इसको लगा दे तू, तेरी आंखों को देख के खुलेगा, जैसे ये देख मुझे हेलो बोल रहा है अब तुझे बोलेगा। ठीक है भाई मेरा भी लग गया इधर। ठीक है इससे हम लोग ही पास कर सकते हैं तो अच्छा होगा। तो एक काम कर फ्लिक यार यहाँ पे पूरे ये वॉल लगा दे तू ब्रिक्स वाले, तो यार और अच्छा दिखना चाहिए। तो एक काम करता हूँ यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ और यहाँ पर भी एक लगा देता हूँ। ओ भाई पूरा कनेक्टेड कितना बढ़िया दिख रहा है। एक काम कर फ्लिक ये पकड़ तू पहले और ये भी पकड़ भाई, ये दोनों हमारे बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा भाई ये वैसे क्या काम आएगा? भाई इससे वॉल बनाएंगे हम लोग, इसके पहले हम लोग सड़े चीजों से वॉल बना देते जो कोई भी तोड़ देता था, लेकिन इस बार हम बनाएंगे क्राइंग ऑब्सिडियन से। भाई किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और जो एंडरमैन तुझे मारने आ रहा है ना वो भी ऐसी बात नहीं सोच पाएगा। तो एक काम कर बड़ा सा वॉल बनाना है हमें, उसके अंदर हम पूरे डिफेंस बनाएंगे। तो फ्लिक एक काम कर उस कोने में तू आ जा, इस कोने में मैं रहता हूँ, ठीक है इतना काफी रहेगा। अच्छा डैश यार ये लगाते तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, और वो कभी भी आ सकता है यार। वो तो कभी भी आ सकता है, एक काम कर मेरे पास में मेरी जादू की छड़ी है तो उससे पूरा वॉल में बना दूंगा, उसका टेंशन मत ले तू। तो मैं लग जाता हूँ भाई इधर काम करने के लिए। और भाई मेयर तो आने वाला है ना कि नहीं आएगा वो? भाई मेयर ने कहा है वो इस बार सबसे खतरनाक चीज बना के लाने वाला है। अब भाई देखते क्या लेके आएगा वो, मुझे भी नहीं पता अच्छे से, लेकिन देखते पहले वॉल बना देते हैं, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए हमें भाई, हमारा पूरा बेस बर्बाद हो जाएगा। और बेस के अंदर कितना खजाना रखा है तुझे पता है ना? नहीं पता भाई मुझे तो। नहीं पता तुझे दिखाता हूँ, थोड़ी देर रुक जा तू। भाई इतना बड़ा वॉल काफी रहेगा, एंडरमैन जैसे कलर का वॉल है ये, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और उस कोने में जाना है मुझे। अब देखो क्या करता हूँ, तो ये देखो भाई हमारी पूरी वॉल लग चुकी है। लेकिन कैसा दिख रहा है भाई? भाई ये कितना गजब दिख रहा है यार। गजब तो दिख रहा है, लेकिन इससे हमारा जो बेस है ना गंदा दिखेगा, देखा जाए तो ढक चुका है ना बेस हमारा। तो फ्लिक एक काम कर ऐसे यहाँ पर होल कर, और यहाँ पे लगाना है हमें स्लैब एक के ऊपर एक ऐसे करके, तो बहुत बढ़िया दिखने वाला है। तो भाई ये लग गया हमारे आखिरी के ब्लॉक, और भाई देख कितना बढ़िया दिख रहा है अपना वॉल अभी। हाँ भाई दिख तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये बीच का एरिया क्यों खोल दिया यार तूने? भाई यहाँ से तो एंडरमैन आएगा ना, नहीं तो वो तो टेलीपोर्ट हो जाएगा, सीधा अंदर घुस जाएगा घर के। हाँ भाई ये तो सही बोला तूने, लेकिन यहाँ पे हमको और कुछ लगाना पड़ेगा भाई। देख मेरे पास में एक फैंस है जिससे शॉक लगता है, एंडरमैन को भी तो बिजली के झटके लगने चाहिए ना भाई। ये तो बात है भाई, तो भाई मुझे भी थोड़े बहुत, लेकिन उससे पहले सेंट्री लगाना है फ्लिक हमें। तो एक काम करते हैं सेंट्री ऊपर लगाते हैं, तूने कहा था 6 ब्लॉक तक है, ये सेंट्री हम 7वें ब्लॉक में लगाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ सेंट्री लगाता हूँ, फ्लिक तू उस साइड लगाते हैं। ठीक है 3 सेंट्री यहाँ पर काफी रहेंगे, फ्लिक वहाँ पर 3 लगा देता है, बाकी यार 2-3 सेंट्री मैं इधर लगा देता हूँ, ताकि अगर वो यहाँ तक आया ना तो उसको इजीली मार देंगे हम लोग। अच्छा डैश भाई ये सेंट्री तो हमारी लग गई, लेकिन अब वो एंडरमैन का क्या हुआ जहाँ पे तूने कैमरा लगाया था, एक बार वो चेक कर ले वो आ तो नहीं गया? ठीक है तेरे पास भी कैमरा है तो चेक कर ले, मैं भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है कैमरा मॉनिटर 1 में देखता हूँ पहले। ओ भाई कुछ है तो नहीं यहाँ पर, लग तो नहीं रहा कोई आने वाला है अभी फिलहाल। मुझे लगता है फ्लिक हमारे पास में 1-2 मिनट और है, तो 1-2 मिनट में बहुत कुछ बना लेंगे हम लोग। और मैंने यार मेयर को बुलाया हो, तो देख इस बार मेयर क्या करता है। भाई इस वाले कैमरा को हटाता हूँ पहले मैं, और दूसरे कैमरे में देखता हूँ, देखते क्या है यहाँ पर। ठीक है भाई ये देखो अपना डिफेंस सिस्टम, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ठीक है भाई जूम हो रहा है, ये भाई हमारा माइन सिस्टम है, और आगे में और डिफेंस हमारा, वो देखो फ्लिक भागते हुए आ रहा है। तो ठीक है भाई सब कुछ देख लिया मैंने, फ्लिक सब कुछ ओके है भाई, अभी तो कोई आया नहीं है। चलो ठीक है भाई, फिर भी हमको जल्दी काम करना ही चाहिए अभी भी। ठीक है भाई तो देख ये ले फेंस पकड़ तो थोड़े बहुत, और ये जो फेंस है ना इस टाइप से लगाना, ताकि हमें भी भागने का मौका मिले। तो फ्लिक देख यार हमारे पूरे फेंस लग चुके हैं, और भाई इससे बहुत गंदा झटका लगता है बिजली का। भाई इसको अभी ट्राई करके नहीं दिखाऊंगा तेरे ऊपर, बहुत ट्राई हो गया। अब एक काम कर फ्लिक, मैं यहाँ पर ऐसे गड्ढे कर रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं सोल सैंड लगाऊंगा, तू भाई फ्लिंट एंड स्टील मार और आग लगेगी। ठीक है भाई मैं लगा भी दिया आग। ठीक है तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ यहाँ पर, तू आग लगा दे बस। अरे डैश यार एक बात बता भाई, अब हम लोग कहाँ से भागेंगे इसके बीच में से? देख भाई मैं तो अभी जल जा रहा हूँ, सर्वाइवल में रहूंगा तो भाई मेरा गेम ही खत्म हो जाएगा इतने में। अरे भाई टेंशन क्यों ले रहा है तू, एक काम करते यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा बनाते, देखो यहाँ पर बनाऊंगा मैं ताकि हम लोग वहाँ पर निकल पाए। तो फ्लिक यहाँ पर मैं टनल बनाता हूँ, इतना एरिया काफी रहेगा, तो देख इसको खोद देता हूँ मैं। ठीक है नीचे जाना है हमें, पूरा नीचे तक बेडरॉक तक। ठीक है फ्लिक मेरे पीछे पीछे आ, तुझे बताता हूँ क्या करना है। ठीक है यहाँ से हम लोग निकलेंगे और ये काफी हो जाएगा इतना। ठीक है लेकिन यार ये जगह दिखनी नहीं चाहिए एंडरमैन को, नहीं तो यार हो सकता है वो अपने कोई मिनियन को भेजे। तो इसको हम लोग बना देते घोस्ट ब्लॉक का। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे भाई पहुंच जाएंगे हम लोग भी, सही है ना ये वाला प्लान? भाई ये सही है। ठीक है समझ जा भाई तू, इधर से भागना है हमें, यहाँ से भाग के यहाँ से निकलना है, हम लोग यहाँ पर आ गए आर पार इसके। भाई एंडरमैन भी आ सकता है, लेकिन भाई उसको हम लोग टेलीपोर्ट करने का मौका नहीं देंगे, टेंशन मत ले यार, वो पगले में इतना दिमाग नहीं होगा। एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ी मार्किंग डाल देता हूँ, हमको समझना भी तो चाहिए ना कि यहीं पे है वो जगह। ठीक है
ये सही है भाई, सोच रहा हूँ यहाँ पर और फेंस लगा देता हूँ। ये क्या है, मशीन गन कैसे है तेरे पास? मशीन गन? अरे भाई पिछले बार मैंने वो मेयर का भाई चुरा लिया था हिसाब से भाई, उसको मालूम तो नहीं है ना, नहीं तो तेरा कत्ल कर देगा वो। अरे नहीं एक मिनट यार, इसको मैं छुपा के रख लेता हूँ सच में यार, इसी से मारूंगा एंडरमैन को। वैसे मैं भाई एंडरमैन को ना एरो लगता ना बुलेट लगता है, तुझे पता नहीं है, टेलीपोर्ट कर जाता है वो। इससे नहीं मारना हमें, उसको आग से जलाना और पानी से मारना है। ये तो वेस्ट हो गया मेरा मतलब इस बार। चल ठीक है यार कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ बता ही लेंगे हम लोग। फ्लिक तुझे क्या लगता है एंडरमैन को कहां पे सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचेगा? भाई उसके दिल में। दिल कहां पर है उसका? भाई मेरा मतलब पैर थे उसके, शायद पैर में होगा, पतले पतले पैर है। हाँ उसके पतले पतले पैर है। तो एक काम करते हैं ना, डिस्पेंसर है ना हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे डिस्पेंसर लगा देता हूँ मैं, मतलब बहुत सारे नहीं लगाने हमें, पर जगह जगह पर लगाने हैं, इतना काफी रहेगा। और यहाँ पर लगा देता हूँ रेडस्टोन को, ठीक है? तुझे तो पता है ना क्या बनाने वाले हम लोग, आप लोगों को पता था, कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर भी लगा देता हूँ, लेकिन यार हम लोग एक रिस्क ले रहे हैं। एंडरमैन को एरो तो लगता नहीं है, लेकिन यार मुझे ये भी तो नहीं पता उसको फायरबॉल लगता है कि नहीं। तू फायरबॉल भर दे, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है? यहाँ पर भर दिया तूने, वहाँ पर भी भर दे, मैं ट्राई नहीं करूंगा, नहीं तो हमारा जो माइंड सिस्टम है ना पूरा फूट जाएगा, हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ठीक है? इतना काफी रहेगा। फिटनेस के अंदर भर दिया पूरे फायर चार्ज। तो डैश यार अब हम लोग और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? देख भाई मेरे पास में आइडिया बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार, मेयर ने मुझे बताया था कि वो इस बार खतरनाक सा प्लेन लेके आने वाला है हमारे लिए। मैं सोच रहा हूँ देख प्लेन लेके आ रहा है तो रनवे भी चाहिए, तो एक काम कर मेरे पीछे, घर के पीछे से रनवे बनाएंगे हम लोग, लेकिन सीक्रेट वाला रनवे। ठीक है भाई आजा। ठीक है तो इधर आजा पहले। मैं एक काम करता हूँ, ये एरिया को खोद देता हूँ थोड़ा बहुत। फ्लिक एक काम कर, तू खोदते मेरे पीछे, और इसको तू खोद दे फ्लिक आगे तक, बहुत आगे तक ले जा इसको। भाई तूने तो खोद ही दिया, मैं क्या करूँ? नहीं तो भाई तुझे बेडरॉक तक खोदना है, इतना नहीं, ऊपर का एरिया हमको ब्लॉक रखना है। तो फ्लिक आगे तक पहुंच चुका है और मैं यहाँ पे लगाता हूँ घोष ब्लॉक। अब देखो आपको पता ना घोष ब्लॉक क्या काम करते हैं, जैसे आना है ठीक है मैं नीचे आ जाऊंगा, और भाई बचते हुए मुझे भागना है यहाँ से, इसको भी कवर कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ एंडरमैन मार दे हमें या हमारा बेस बर्बाद कर दे, तो एक काम करता हूँ पूरा मैं ढक देता हूँ अच्छे से। फ्लिक रुक जा भाई, इतना आगे नहीं जाना है। हाँ बस बस हो गया। तो फ्लिक मुझे ये वाला कमांड एक्टिवेट करना है, अब देख क्या होता है। भाई रनवे बन चुका है हमारा। ओ भाई ये क्या बना दिया तूने एक ही बार में? भाई कमांड की वजह से बनाया हुआ, एक ही बार में तो बनता है। तो फ्लिक एक काम कर, तू वहां से लगाते हुए रनवे के लिए येलो कलर की लाइन, ताकि यार वो मेयर अंधा है भाई, उसको चश्मा लगा हुआ है, उसको दिखना तो चाहिए ना। अरे गन हटा दे भाई, उसने देख लिया ना तुझे भाई खत्म ही कर देगा वो। तो ऐसे येलो कॉन्क्रीट ऐसे लगा देता हूँ मैं, ताकि रनवे के लाइंस बन जाए, जिससे यार मेयर को दिखे हम लोग यहाँ पर है। इतना काफी रहेगा भाई, देखो कितना प्यारा दिख रहा है अपना रनवे। ये लगा दिया मैंने आखिरी ब्लॉक, और रनवे देखो अपना कितना बढ़िया दिख रहा है भाई। फ्लिक इतना छोटा दिख रहा है, मतलब कितना दूर है रनवे, बहुत ज्यादा बड़ा है। ये हमारा एस्केप प्लान बन चुका है। वैसे भी यार लैंडिंग भी तो करवानी है ना, दोनों काम हो जाएगा हमारा। फ्लिक आ जा तू मेरे पीछे। भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ये रनवे। तो भाई तू मत उड़ना यहाँ से। तो यार हमारा पूरा डिफेंस लगभग बन चुका है, कुछ और ऐड करूंगा मैं अगर टाइम रहेगा हमारे पास में। और फ्लिक देख हमारा एस्केप प्लान भी बन चुका है, लेकिन एक चीज बनना बचा है, हमारा आर्मर सिस्टम। तो देख अंदर आते हैं पहले, तब हमारे पास में ज्यादा टाइम रहेगा नहीं आर्मर पहनने का। नीचे आ जा भाई, पूरा बेडरॉक तक खोदना है इसे हमें। जब तक भाई फ्लिक पूरा खोद रहा है मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो मेरे पास में चेस्ट है ना, उसमें खतरनाक सामान रखा हूँ मैंने, देखो इतना सारा डायमंड है। तो एक ही चीज कर सकता हूँ मैं इसका। अरे भाई फ्लिक नीचे। भाई मुझे भी दिखा क्या क्या है। आना तुझे देता हूँ डायमंड पूरे। ठीक है आ रहा हूँ। ये पकड़ भाई डायमंड, तू जैसे नीचे आएगा तुझे मिल जाएगा। और यहाँ पर डायमंड के वॉल लगाना है हमें। तो यार यहाँ पर मैं डिस्पेंसर लगा देता हूँ फ्लिक, तू भी वहाँ पर डिस्पेंसर लगा ले अपने लिए, तुझे पता ना क्या करना है। हाँ भाई पता तो है। नहीं पता तो मत लगा। तो ठीक है पूरा डिस्पेंसर लगा दिया मैंने यहाँ पर, और भाई ये देखो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर लगा देता हूँ इसके लिए मैं, इसको शायद आता नहीं है। तो कमेंट में सब लोग लिख दो फ्लिक अंपायर नूब। तो भाई जब तक मैं डिस्पेंसर लगा रहा था, देखो फ्लिक ने क्या कर दिया। एक काम करता हूँ, इस जगह को थोड़ा डायमंड का बना देता हूँ मैं, यहाँ पर भी लगा देता हूँ। अब देखो फ्लिक ने क्या बनाया है भाई, उसका एक रिएक्शन है खतरनाक वाला। तू मेरा बिल्ड खराब कर रहा है। देखो ये बनाया फ्लिक ने, बताओ कितना अच्छा दिख रहा था। ठीक है दिखने में अच्छा ही है, वो तो कमेंट में जनता होता है कि कैसा दिख रहा है। तो यार मैंने सेंट्री को भी एक्टिवेट कर चुका हूँ पूरे के पूरे, ये काफी रहेगा। फ्लिक यार रात होने वाली है, अब बस एक मिनट बचा। तो एक काम करते हैं, इधर अंदर एक ही चीज बचा हुआ है करना। देखिए काम करते हैं हम लोग, घर के अंदर पूरा TNT भर देते हैं। ठीक है मैं TNT लगाता हूँ पूरा। अब देख TNT भरने के बाद में एक और चीज करना बचा हुआ है भाई, इसको एक्टिवेट भी तो करना है ना, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ हम में से कोई रुक के यहाँ पे एक्टिवेट करे और खुद ब्लास्ट हो जाए। तो देख मेरे पास में यहाँ पे रेडस्टोन है, यहाँ पे लेवर है, और यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट है। तुझे पता ना क्या करना है, हमको डिले देना है बस। तो आप लोगों को करके दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं वो। तो पहले घर के बाहर आना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे रेडस्टोन का एक सेटअप बनाना पड़ेगा खतरनाक सा। तब तक फ्लिक यहाँ पे TNT लगा देता है पूरे। तो ये देखो अंदर हमने लगा दिया बहुत सारा TNT, और रेडस्टोन के वायर को यहाँ तक ला लिया मैंने, अभी के लिए इसको हटा देता हूँ। अब देखो मुझे बस यहाँ पे डिले देना है, तो इस तरह फेस करवाना है इसको मुझे ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर यहाँ पे टर्न करवाना है इसको, और भाई पूरा डिले देते जाना है। तो यार रेडस्टोन के सिस्टम को मैंने यहाँ तक लेके आ गया हूँ, अब बस मुझे यहाँ पर एक वायर लगाना है। ठीक है मैं वायर लगा देता हूँ, और यहाँ पर एक लेवर लगाना है। ठीक है फ्लिक तो ये काम कर रहा है डीले देने का, तो यहाँ पर डीले दे चुका है पूरा। आप देखो जैसे मैं इसको फ्लिक करूंगा, अब देखो गोल घूम के कहाँ तक जाएगा वो। तो यहाँ पर अटक गया है वो, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, बस मुझे यहाँ पर वायर लगाना है। अब देखो ये पहुंच गया पूरा, घूम के ऐसे आएगा फिर वो आगे की तरफ जाएगा। अब देखो अभी तक तो पूरा सही दिख रहा है मुझे। ठीक है अब बहुत ज्यादा डीले है, तो थोड़ा घूम घूम के आएगा ये, और आखिरी में जाके
यहाँ पर टच होगा। टच होने के बाद में भाई अंदर देखो पूरे TNT लगे हुए हैं। तो यार अभी रिस्क नहीं लूंगा मैं, आखिरी TNT ज्वाइन करूंगा, वायर को यहाँ तक लाना है मुझे ऐसे। भाई एक्चुअली में ये हमारा एस्केप प्लान है, अब देखते हैं कितना काम आता है हमारे। तो फ्लिक यार देख सब कुछ तो बन चुका है, बस एक चीज की कमी है, वो एंडरमैन के आने की। भाई वो आ भी रहा है कि नहीं? अब भाई मुझे नहीं पता, मेरा पीछा तो कर रहा था लेकिन यार रात हो गई है ना, तो अब आ ही रहा होगा, किसको पता। तो भाई मेयर तो अभी तक नहीं आया, सबसे बड़ी बात तो वही है। भाई मुझे लगता है इस बार सच में मेयर ने धोखा दे दिया, भाई अभी तक बिल्कुल नहीं आया है। तो एक काम करते फ्लिक, हमारे पास में कैमरा मॉनिटर है तो उसमें चेक करते हैं सबसे पहले। तो कैमरा 1 में चेक करता हूँ मैं, भाई यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ है फ्लिक, तू भी चेक कर। और भाई कैमरा 2 में चेक करते हैं। अरे फ्लिक यहाँ पे एंडरमैन दिख रहा है बड़ा वाला। भाई मैंने बोला था वो आएगा यार। भाई वो आ चुका है शायद। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले आर्मर पहन ले, जल्दी मेरे पीछे। चलो भाई फ्लिक ने यहाँ पे कुछ तो बनाया था, बहुत बेकार था। भाई ये वॉइड में मत गिर जाना बस। तो ठीक है पहन लेता भाई मैं। क्या बात है, पूरा आर्मर पहन लिया मैंने। चल यार फ्लिक जल्दी। तो फ्लिक ने भी पूरा आर्मर पहन लिया। तो भाई थोड़ा एप्पल पकड़ तू भी और आजा भाई, उसको मारने चलते हैं। ये हमारा यही था ना रास्ता भाई, यही पर कहीं पर था। ठीक है ये है भाई रास्ता, आजा इसके अंदर से। हाँ आ रहा हूँ भाई, आगे मैं। चल भाई आगे चल जल्दी, वो होगा वहीं पर। अबे फ्लिक कोई आ रहा है भाई, वो मेयर है शायद, प्लेन से आ रहा है। और क्या प्यारा प्लेन है यार, वो ब्लैक कलर का नहीं पर्पल कलर का प्लेन है वो। भाई एंडरमैन सामने ही है भाई, अच्छा पहले इससे बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है कुछ तो खतरनाक करने की तैयारी में है वो। अबे फ्लिक रनवे से हट भाई, वो ठोक देगा तुझे। उसको बहुत अच्छे से आता है भाई उतारना, उतार लेगा। देखते हैं भाई, तू भाई रनवे से हट ही जा, मैं तो बोल रहा हूँ, देखते क्या करता है ये। भाई मुझे क्यों ठोक रहा है? ओहो अबे भाई ये देखो, ये जानबूझ के कर रहा है शायद। भाई मुझे कहा था तुझे यार। भाई प्लेन देखो उसका कितना गजब दिख रहा है। और भाई ये फिर से गन लेके आया, पूरी तैयारी में आया। तो मेयर भाई तुझे पता है ना भाई, आज हमारे ऊपर हमला होने वाला है। तो भाई मेयर बता रहा है उसको सब कुछ मालूम है और पूरी तैयारी के साथ आया है वो। इस बार हो सकता है हमें भागना पड़े। तो मैंने कहा था ना आपको, हमारा प्लान रेडी है। और भाई मेयर भाई उसको क्यों मार रहा है? भाई भाई असॉल्ट राइफल दे दे यार। भाई राइफल मुझे भी देना, पर मुझे नहीं लगता यार एंडरमैन कुछ होगा, वो बाद में देखेंगे यार। इसके पास बहुत सारी गन रहती है, मेरे साथ आओ भाई हमारे खुफिया रास्ते से। तो यार वो रहा हमारा म्यूटेंट एंडरमैन भाई, 4-5 हाथ है उसके पास में। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, शिट। भाई वो आ रहा है, भाई आ तो रहा है, मुझे बचाओ यार कोई। अबे ये क्या है भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओ भाई ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा ब्लास्ट है भाई, ये क्या खतरनाक इंसान है। रुक जा फ्लिक, भागना पड़ेगा मुझे। अरे यार भाई मेयर गोली मारो उसको जल्दी, उसे मेरे पास आने दे उसको। भाई रूप कैसे बदल रहा है भाई वो। ओ ये क्या है, अबे फ्लिक ये कैसा इंसान है? रुक जा हमारे माइंड काम आ रहे, रुक जा हमारे माइंड बहुत काम आ रहे भाई। खतरनाक आदमी है तो भाई यार मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, देख मेरे पीछे पड़ चुका है खतरनाक तरीके से। फ्लिक मारते रहो उसको भाई, टेलीपोर्ट हो गया भाई। अब वो मेरे पीछे पड़ चुका है भाई, वो क्या उसके हाथ में, शिट। अबे ये कौन सा जादू है? तो भाई फिर से खोल चुका है और फिर से यार मुझे अंधेरा दे दिया उसने। भाई फिर से बचाना पड़ेगा तुम लोगों को मुझे, एप्पल खा लेता हूँ मैं। तो भाई मैं तो अपने बेस की तरफ भाग रहा हूँ भाई, वो इतने सारी चीजें बना के रखे हम लोगों ने, कब काम आएंगे। चल भाई चल। ओ भाई ये कौन था तोप मारने वाला? मेयर खोल चुका है भाई, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है भाई। और इसके पास 4-5 हाथ कैसे आ गए भाई, इतने हाथ कब से आ गए? मेरे ऊपर टेलीपोर्ट कर चुका है वो, रुक जा इसको बताता हूँ मैं, रुक भाई। खोला, चिल्ला रहा है पागल। ओ भाई ये क्या हुआ इसको, भाई इसकी आत्मा निकल रही है शायद। बे यार ये मेरे पीछे पड़ चुका है, रुक जा फ्लिक अब बता दो इसको। ये देख जला भाई वो बहुत बुरी तरीके से। रुक जा खुफिया रास्ते से अंदर जा रहा हूँ मैं, मुझे गोलम की जरूरत है। गोलम की जरूरत है, रुक जा। पहला गोलम ये रहा हमारा भाई, रुक जा इसको बताता हूँ मैं, रुक। ये रहा हमारा दूसरा गोलम, ठीक है भाई दोनों गोलम आ चुके हैं, अब उसको अंदर आने दे। अबे गोलम को उड़ा दिया उसने भाई, ये क्या कर रहा है भाई? गोलम पागल हो चुका है भाई, तो अंदर से मर जाएगा भाई। मेयर ने मिनीगन दिया है फ्लिक मुझे, एक काम कर उसको अंदर आने दे, वो शायद आ नहीं पा रहा है। देख यार हमारा क्राइंग ऑब्सिडियन का बॉल काम आ रहा है भाई, अंदर आ गया वो, शिट। अभी बोल रहा था मैं अंदर नहीं आ पा रहा, अभी अंदर आ गया वो। भाई ये कौन सा अंधेरा है भाई, ये सब क्या हो रहा है भाई? गोलम खोला हमारा, फिर से भागा वो। फ्लिक गोलम को मत मार दे तू भाई, गलती से लग गया यार उसको। अरे भाई उसने क्राइंग ऑब्सिडियन ही बदल दिया भाई, इधर गया, रुक जा मैं इसको पकड़ता हूं। पता नहीं यार, मैं सिर्फ गोली चला रहा हूँ अंधाधुंध भाई। इसने ब्लॉक उठा लिया डर्ट के 5-6, और यहाँ पे तो दो दो आ गए ऐसे भाई। इसने अपना रूप बदल दिया भाई, दो दो आ गए। ओ भाई वो अंदर आ चुका है और गोलम को बहुत गंदी मौत मार रहा है वो। अपने यार सेंट्री भी काम नहीं कर रहे उतने अच्छे से। इधर गया भाई, भाई घर के ऊपर चढ़ चुका है भाई वो, उसको मारो कोई। इसको देखो, फिर यहाँ पर आ गया और अंधेरा दे दिया मुझे। फ्लिक कुछ कर यार तू, ये गोलम को देख भाई क्या कर रहा है, खुद ही पानी में चला गया भाई। इनका फाइट चालू है और वो अंदर कैसे लड़ रहे हैं वो लोग? भाई बाहर आने दे उसको भाई, घर के अंदर पहुंच चुका है वो भाई, मार दिया उसको। गोलम मर चुका है फ्लिक, मुझे लगता है हमें TNT एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं अंदर जा रहा हूँ TNT एक्टिवेट करने, यहाँ पे मुझे रेडस्टोन लगाना है, रुक जाए। ऐसे रेडस्टोन लगा देता हूँ यार, यहाँ पे नहीं लग रहा, ठीक है यहाँ पर भी लगा दिया मैंने, इतना काफी होगा भाई। तो फ्लिक यार मेयर प्लेन की तरफ भाग रहा है, तू भी भाग प्लेन की तरफ और मैं लेवर को एक्टिवेट कर रहा हूँ। भाई भागो जल्दी, जल्दी निकलो यहाँ से भाई, जल्दी निकल फ्लिक, ये जगह पूरी ब्लास्ट होने वाली है। वो भाई ये प्लेन रखे हुए हैं, जल्दी आओ। मैं तो बैठ रहा हूँ प्लेन में, चल भाई मेयर जगह पूरी फूटने वाली है। भाई हम लोग बैठ तो चुके हैं भाई प्लेन में, देखते क्या होता है ब्लास्ट। मेयर भाई थोड़ा दूर से उड़ाओ भाई। भाई एंडरमैन किधर है? एंडरमैन घर के अंदर घुसा था ना यार मुझे देखते हुए, अब ब्लास्ट होता ही होगा शायद। ओ भाई ये जगह पूरी ब्लास्ट हो गई भाई, तो भाई ये जगह तो पूरी उड़ गई भाई, क्या हो गया इस जगह को, बहुत बुरी तरीके से फटा है भाई ये जो भी है। यहाँ का तो बेडरॉक भी फूट गया भाई, ये कौन सा ब्लास्ट करवा दिया हम लोगों ने। तो भाई एक काम करते हैं हम लोग, ऐसे निकलते हैं। मेयर भाई यहाँ पर रुकना बेकार है, वो ऐसे एंडरमैन तो मर गया बहुत बुरी मौत, क्योंकि वो घर के अंदर आया था, पता नहीं क्या करने आया था घर के अंदर, मुझे भी नहीं पता। लाइक एम और कमेंट एम कंप्लीट कर देना।